Hi everyone and welcome to Unacademy. You can ace your school exams with Unacademy now. You can take the subscription and get 10% off by using my code, that is SMRANA. So my name is Smriti and I am a science educator on this channel. Welcome to the channel. I hope you have subscribed the channel for all the updates. And this is my little introduction. I've done my master's in chemistry from Jamia Hamdard and my bachelor's from Delhi University. I have experience up to 12th class, and yes, this is my little introduction and ये हूँ मैं. So let's move on. और आज हम करने वाले हैं chapter number 5. Yes. So chapter number 5 हम कैसे पहुँचे? पहले हमने chapter number 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 किया है, and now we are at chapter number 5. So I hope you have watched all my videos. If you have any doubt, you can leave that on the comment box. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे आ चुके हैं हम chapter number 5. So you have already studied about the changes around us in your sixth class, right? So sixth class में हम ये already chapter कर चुके हैं, that is changes around us. उसमें हमने बहुत सारे different types के changes देखे थे, है ना? हमने physical और chemical change भी देखा था, हमने irreversible, reversible change भी देखा था, हमने periodic, non-periodic, desirable, non-desirable, ऐसे अलग अलग टाइप के हमने changes देखे थे, है ना? इस बार हम सिर्फ और सिर्फ physical और chemical change को ही focus करके chapter बनाया गया आप सबके लिए जो भी 7th क्लास में बच्चे हैं, ठीक है? So yes, for all the 7 students, this is your chapter number 5 and let's start. ठीक है? So index में आप देख सकते हैं हम पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में, ठीक है? फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिजिकल चेंज बोलते किसे हैं. देन विल मूव ऑन टू योर केमिकल चेंजेस और केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, किस बेसिस पे मैं बोलती हूँ कि दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है? एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल्स करेंगे हम थ्रू आउट, ठीक है? सो आई होप आपको सब समझ आ जाए. फिर भी कोई डाउट रहता है ना, कोई झिझक नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ सकते हो डाउट, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपका फिजिकल चेंजेस जो कि उधर से उधर मूव कर गया है. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, बच्चा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू सम इंट्रोडक्शन. बहुत सारे तरीके के आपके केमिकल चेंजेस होते हैं लाइफ में, ठीक है? बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस इतने सारे होते हैं, केमिकल हो, फिजिकल हो, किसी भी टाइप का चेंज हो. केमिकल हम बाद में बात करते हैं, पहले हम नॉर्मली चेंज की बात करते हैं, ठीक है? बहुत सारे चेंज होते हैं. इट कैन बी योर फिजिकल और केमिकल, ठीक है? It can be something permanent or temporary. It can be periodic, non-periodic. Okay. It can be desirable, non-desirable. It can be something related to जो कि reaction से related नहीं है, but you can observe that. ठीक है? तो बहुत सारे changes होते हैं, जैसे कि आपका है slow and fast. ठीक है? बहुत सारे टाइप के चेंजेस होते हैं, बट आज हम जो chapter number 5 में पढ़ने वाले दैट इज ओनली रिलेटेड टू योर फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो कि आपको 3rd नंबर पे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? सो यस, इसी पे फोकस रहेगा, बाकी सारे चेंजेस के ऊपर फोकस नहीं रहेगा. बट अगर आपको फिर भी डाउट है यू कैन आस्क मी, ठीक है? तो यस, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, देयर आर सेवरल चेंजेस वी कम अक्रॉस डेली इन डे टू डे लाइफ, ठीक है? जैसे कि हम शुगर को डिजोल्व करते हैं पानी में, हम चाय बनाते हैं, हम कुकिंग करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं. वी आर हम पेपर फाड़ेंगे, हम कुछ भी करेंगे. नॉर्मल जो एक्शंस आपकी डे टू डे लाइफ में होते हैं उसको हम एक्चुअली सॉर्ट कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में, ठीक है? सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज योर फिजिकल चेंज एंड द अदर वन इज योर केमिकल चेंज, ठीक है? दीज इन्वॉल्व चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस नोन एज फिजिकल एंड केमिकल एंड लेट्स मूव ऑन. सो सबसे पहले बात आती है फिजिकल चेंज की, तो मेरे माइंड में ये आता है कि पहले तो मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, फिजिकल होता क्या है, तभी तो मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा कि ये फिजिकल है ये केमिकल है. अगर आपको यही नहीं पता कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं तो आप कैसे आगे जाके पॉइंटर्स रखोगे कि हाँ ठीक है ये फिजिकल है, बट क्यों? तो आपको ये नहीं पता होगा फिजिकल क्यों. नहीं, बस मेरे को पता था कि ये ऐसा दिख रहा है इसलिए फिजिकल. नहीं, यू हैव टू नो अबाउट दी पॉइंट्स कि प्रॉपर्टीज है क्या जिस बेसिस पे आप उसको बोल रहे हो कि वो फिजिकल चेंज है, ठीक है? सो यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है सबसे पहले आपका साइज के अंदर चेंज, दूसरा आपका शेप के अंदर चेंज, तीसरा है कलर चेंज और फोर्थ है आपका स्टेट में चेंज. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. इफ आई टॉक अबाउट लेट मी चूज ब्लैक पेन. yes, if I talk about your shape ka change, if I talk about shape ka change, I do not have any rubber band with me, but yes, as you can see rubber band aapko picture mein dikh raha hai, so you can actually stretch that and jaise aap chodoge it will come back to its original shape, right? So that means it is just changing its shapes and nothing is happening. वो rubber का rubber ही है, अभी भी वो rubber band का rubber band ही है, उसमें कुछ हुआ नहीं है, बस आपने शेप चेंज करा थोड़ी देर के लिए. वो भी सिंस इट वॉज इलास्टिक तो वापस से रीगेन हो गया. सपोज मैं कुछ चीज़ मूव करती हूँ, कोई चीज़ पुश करती हूँ, कोई चीज़ को ऐसे दबाती हूँ जो कि कंप्रेस हो सकता है, लेट्स से, ठीक है. अगर वो कंप्रेस हो सकता है, मैंने उसको दबा दिया, उसका शेप चेंज हो गया परमानेंटली, मान लेते थोड़ी देर के लिए हुआ, ये परमानेंटली शेप चेंज हो गया. तो सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंजेस आए, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो आकृति, जो उसका जो शेप है वो चेंज हो गया थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए आपने चेंज कर लिया. डिपेंड्स कि आप क्ले में, अगर आप क्ले में शेपिंग कर रहे हो, मान लेते, ठीक है, यू आर मेकिंग अ पॉट और समथिंग विथ क्ले. सो व्हाट यू आर डूइंग इज आप शेप बदल रहे हो उसकी, इसको किसी शेप में लेके आ रहे हो, ठीक है. तो केमिकल चेंज होगा नहीं, वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि आपने सिर्फ शेप में चेंजेस करे और बाकी वो वहीं का वही है, क्ले क्ले ही है, बस आपने उसका शेप चेंज कर दिया और आपने कुछ नहीं किया, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज योर साइजेस. ओके, सो साइजेस में क्या है कि सपोज कोई चीज़ बहुत बड़ी थी, हमने उसको ऐसा कंप्रेस करके छोटा कर दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट, ठीक है, जैसे कि उसका साइज इतना बड़ा था और मैंने कहा नहीं उसको छोटा कर दो, तो मान लेते हो एडजस्ट हो सकता है, और उसको मैंने ऐसे छोटा कर दिया. लाइक लेट्स सपोज कि कोई बैग है, ठीक है, एंड कोई ट्रॉली, कुछ भी समथिंग जिसमें एडजस्टेबल हाइट के लिए होता है, ठीक है, जिसको हम एडजस्ट करके नीचे कर सके, ऊपर कर सके. लाइक योर चेयर, ठीक है, मान लेते चेयर की बात कर लेते हैं. आपने क्या किया, चेयर को आप ऊपर नीचे करे जा रहे हो, बार बार फिक्स कर रहे हो. दैट इज समथिंग कि आप साइज में उसके डिफरेंस लेके आ रहे हो. कभी क्या कर रहे हो, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, हाइट में डिफरेंस लेके आ रहे हो उसके. स्पेसिफिकली यू आर ब्रिंगिंग द चेंज इन योर हाइट. चेयर की हाइट में आप चेंजेस लेके आ रहे हो. सो व्हाट यू आर डूइंग, आप बैठे हुए चेयर में एंड यू आर फिक्सिंग द हाइट, ठीक है, आपने अकॉर्डिंग, एंड आप चेंज क्या कर रहे हो, फिजिकल चेंज है वो केमिकल चेंज है, दैट इज फिजिकल चेंज. कि आपने उस चेयर को कुछ नहीं किया, आपने उस चेयर को कुछ नहीं किया, उसके बस हाइट ऊपर नीचे कर दिया दूर से, ठीक है, एंड इट इज क्वाइट विजिबल थ्रू योर नेकेड आइज. तो एक चीज़ ये है कि जो फिजिकल चेंजेस आप देखते हो, नेकेड आइज से काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती हैं चीज़ें, ठीक है. तो अगर वो शेप का चेंज हो या साइज का चेंज हो, इट कम्स अंडर फिजिकल चेंज. इफ आई टॉक अबाउट कलर चेंज, अच्छा कलर चेंज केमिकल और फिजिकल दोनों में आ सकता है. डिपेंड्स कि रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है या नॉर्मली आप कलर चेंज कर रहे हो, जैसे क्रेयॉन या कोई आप कलरिंग कर रहे हो मान लेते हैं, या आप वॉल्स में पेंट कर रहे हो, ठीक है. सो व्हाट यू आर डूइंग कि आप सिर्फ कलर चेंज कर रहे हो, वो भी अपने हाथों से, फिजिकली आप कलर चेंज कर रहे हो. आप कभी उसका लाइक यूर पेंटिंग समथिंग, ठीक है, आप वॉल पेपर लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप पेंट कर रहे हो, आप अपने कैनवस में पेंट कर रहे हो, कहीं पर भी, यू आर जस्ट चेंजिंग द कलर, राइट. आप अपने कार के ऊपर पेंट कर रहे हो, कार की पेंटिंग होती है, देन एनीथिंग, ठीक है. सो यू जस्ट चेंजिंग द कलर, दैट मीन्स इट इज स्टिल अ फिजिकल चेंज. फोर्थ वन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. नाउ वी ऑल नो दे आर एक्चुअली 5 states of matter, but we are going to talk about only 3 states, that is solid, liquid and gas. ठीक है, we all know कि there are 3 kinds of changes, solid, liquid and gas, और ये आपस में ही change होते रहते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर states of matter की मैं बात कर रही हूँ आप सबके सामने, और यहाँ 3 तरीके की स्टेट आ जाता है. फर्स्ट इज योर सॉलिड, सेकेंड वन इज योर लिक्विड एंड थर्ड वन इज योर गैस. हम सबको पता है, अगर हम आसपास चीज़ें देखें तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं. या तो जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस, वो गैस है आपकी, ठीक है. आप पानी पी रहे हो, दिस इज माई बॉटल, राइट, सो दिस इज लिक्विड. एंड इफ आई एम सेइंग दिस पेन इज सॉलिड, it doesn't come under liquid, it doesn't come under gas, तो किसी ना किसी state में तो है ही, that is solid. ठीक है। सो वी ऑल नो ऑल दी कंपोनेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड और लिक्विड के। जैसे सॉलिड आपका काफ़ी रिजिड होता है, काफ़ी हार्ड होता है, लिक्विड इज क्वाइट फ्लोई, और गैस भी आपका फ्लोई होता है, बट उसके पार्टिकल्स के बीच में इतनी स्पेस होती है कि गैस फैल जाती है अगर हम रूम में फैलाना चाहें, राइट। तो गैस की अगर मैं बात करूँ, लिक्विड की बात करूँ, सॉलिड की बात करूँ, तो उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो वी कैन ईजिली सॉर्ट थिंग्स बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि स्टेट कौन से स्टेट में हो, and also they're interconvertible, they're also interconvertible. What do you understand by interconvertible? That means कि मैं solid से liquid और liquid से gas बहुत आराम से जा सकती हूँ, और gas से वापस liquid और solid में भी आराम से जा सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसे बना देती हूँ आप सबके लिए, लेट मी राइट द गैस से, ठीक है, solid से liquid जाऊँगी तो that means मैं solid को melt करना पड़ेगा, तभी गर्मी देने के बाद उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आएगा और वो लिक्विड की तरह फ्लोई बनेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड जाने में यू हैव टू मेल्ट, देन लिक्विड से गैस में जाने को उसको उबालना पड़ेगा, दैट विल बी बॉइलिंग। जैसे कि आप पानी लिक्विड स्टेट में होता है, आप उसको बॉइल करते हो तो वेपर फॉर्म में चले जाता है, दैट इज योर गैस फॉर्म, ठीक है। तो आपको बॉइल करना पड़ेगा ना। लेट्स सी कि अगर मेरे को सीधे गैस में जाना हो तो मैं क्या बोलूँगी, तब उसे हम कह रहे हैं सब्लिमेशन, तब उसे कहते हैं हम sublimation. It is a process in which solid is directly converted into gas or gas is converted into liquid. It is a process in which solid is directly converted into gas. अगर जैसे सीधे ही liquid stage आनी ही नहीं चाहिए, solid से सीधे अगर gas चला गया, उसे हम कहते हैं sublimation या sublime हो गया आपका substance. One of the examples is naphthalene balls. Second is camphor, ठीक है, कपूर, वो सब आपका सब्लिमेशन दिखाते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, लाइक आई वाज सेइंग कि अगर मैं गैस से लिक्विड जाना चाहूँ तो मतलब गैस को ठंडा करना पड़ेगा। अभी आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं और पूरा फैल रखे हैं, अगर मैं उनकी वाइब्रेशन कम करनी है गैस के पार्टिकल्स की तो मैं ठंडा करने लग जाऊँगी ताकि उनको हीट एनर्जी कम मिले। अगर मैं गैस को ठंडी करती हूँ तो धीरे धीरे वो क्लोज आने लग जाते हैं और वो दूसरा स्टेट लेने लग जाते हैं जो उनका पहले वाला स्टेट था, दैट इज लिक्विड। जितना देखो आप सबको पता ही है कि सॉलिड में स्पेस नहीं होता, तभी आप उसको आराम से तोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं। आप हाथ मारोगे तो पार्टिकल्स हिल ही नहीं पाते, पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। तो अगर पार्टिकल्स चिपके हुए हैं तो आप अगर हाथ भी मारोगे तो पार्टिकल्स साइड नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे साइड में कोई बैठा है, फिर ऐसे 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 करके बहुत क्लोज रेंज में हर कोई बैठा हुआ है। अगर कोई मारने भी आएगा ऊपर से तो मैं कहीं नहीं भाग पाऊंगी, मेरे पास स्पेस ही नहीं है, है ना। ओके, दिस इज योर सॉलिड, द अदर वन इज योर लिक्विड। उसमें थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाती है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आना है तो आपको इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देना पड़ेगा, और जैसे ही मैं से हीट एनर्जी देती हूँ तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और उनके बीच में स्पेसेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैं अगर हिलने लग जाऊँ कि नहीं मेरे को जगह दो, मेरे को जगह दो, मेरे को जगह दो, तो वो स्पेस खुद बनने लग जाएगी, तो वो दूसरे स्टेट में जाने लग जाएगा, दैट इज लिक्विड। तो आपको स्पेसेस से पता चल जाएगा कि ये लिक्विड बनेगा, सॉलिड बनेगा या गैस बनेगा। इफ आई टॉक अबाउट योर गैसेज, तो गैसेज के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत फैल जाते हैं, ठीक है। सो यस, अगर मेरे को गैस को वापस लिक्विड स्टेट में लेके आना है तो मेरे को गैसेस को थोड़ा चिल, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, दैट इज कंडेंसेशन। फिर लिक्विड को और ठंडा करूंगी तो पार्टिकल्स और क्लोज आ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ठंडी में हम क्लोज आ जाते हैं और गर्मी में ऐसे रहते हैं हम, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो लिक्विड को और ठंडा करोगे, दैट इज फ्रीजिंग। लेट मी रब दिस। This is states of matter. Done. So मैं आपको बस इतना ही बता रही थी कि जो states of matter है आपका, ठीक है, solid, liquid, gas, उनके अंदर जो changes हो रहे थे, condensation, melting, freezing, वो भी physical change के अंदर आता है, ठीक है। So I hope you got all the points related to physical properties. Let's move on और आगे देखते हैं physical change क्या होता है। Basically हमने properties की बात कर ली, अब हम देखेंगे physical change को बोलते क्या है, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये चेंज फिजिकल चेंज है कि नहीं। जो पॉइंट्स आपने अभी पढ़े उसी बेसिस पे आपको बताना है कि ये चेंज फिजिकल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो एनी चेंज to the properties, to the physical properties of a substance is called physical change. अब आपको पता चल गया physical properties होती क्या है, उनके अंदर कोई भी changes आते हैं आपके, ठीक है, उनके अंदर कोई भी changes आते हैं shape, size, color और state में, तो हम कहेंगे कि physical change है. तो मतलब in short अगर physical properties के अंदर changes आएंगे तो उसे कहेंगे physical change. Physical changes are usually reversible as no new substance is formed. It is the same substance but with the changed physical properties. Like I said, physical change का एक बहुत important point है कि physical change में कभी भी new substance नहीं बनता. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि चेंजेस सिर्फ बाहरी तरफ रहते हैं, शेप, साइज, कलर, स्टेट, उसमें कभी भी आप देखोगे ना उनका अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता. केमिकली वो कभी चेंज नहीं होते, उनका बॉन्ड्स नहीं टूटते, उनका केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलता. दे आर पुराने सब्सटेंस ओनली, ठीक है, वो नए नहीं बन जाते, ठीक है. तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. लाइक जैसे कि मैं बोलती स्टेट ऑफ चेंज में फर्क आ रहा है, स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. मान लेते हैं एक समथिंग इज फ्रीजिंग, सॉलिड को मैंने फ्रीज कर दिया टू लिक्विड, ओ सॉरी सॉलिड को फ्रीज करने की बात कर रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, लिक्विड को फ्रीज कर दिया टू सॉलिड. लेट्स टेक वाटर का एग्जाम्पल, ठीक है. सो एज यू कैन सी कि अब वो बन गया है आइस, वो बन गया है आइस का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर वो था लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर वो था लिक्विड. आई हैव जस्ट डन फ्रीजिंग और कुछ नहीं किया. तो इसमें आप देखोगे कि अगर मैं पानी का एग्जाम्पल ले भी रही हूँ ना, तो भी केमिकल फॉर्मूला दोनों के लिए केमिकल फॉर्मूला फिर भी क्या होगा, H2O. तो भी केमिकल फॉर्मूला H2O ही है, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो भाप के फॉर्म में हो, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन गया इन चेंजेस के वजह से. H2O पानी पानी ही है, ठीक है. केमिकल फॉर्मूला अभी भी वही है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, कोई चेंज नहीं हुआ है. दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही है आपके पानी के फॉर्मूला में, कुछ चेंज नहीं हुआ है. दैट मीन्स कि जब नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, दैट विल बी फिजिकल चेंज. लेट मी रैप दिस ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है. ओके, सो आई एम जस्ट गोना राइट एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया है. टू सेकेंड विल बी चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट. चेंजेस इन, it can be shape, it can be size, it can be color, it can be state, ठीक है. And yes, अगर आप बोलो reversible या irreversible, it totally depends on the example. अब जैसे कि आप बोलो कि मैम मोस्टली फिजिकल चेंज रिवर्सिबल ही होते हैं, अब नया सब्सटेंस तो बना नहीं तो मैं रिवर्स कर सकती हूँ, जैसे मैं आइस को पिघला सकती हूँ, आइस को वापस से फ्रीज कर सकती हूँ, तो लेट्स से कि रिवर्सिबल ही होते हैं सारे. ऐसा नहीं है बच्चा, जैसे आप ग्लास तोड़ते हो, मान लो दिस इज माय ग्लास, आपने इसको नीचे गिरा दिया और सिर्फ क्या हो उसके साइज में चेंजेस आ गए या उसके पीसेस हुए हैं, बस ग्लास ग्लास ही अंदर से, बट वो टूट गया, छोटे छोटे पीसेस में बदल गया, शेप चेंज हो गई उस ग्लास की, वो टूट गया, तो इट विल बी अ फिजिकल चेंज बट इट वोंट बी अ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि एक बार ग्लास टूट जाता है वो रिवर्स नहीं जाता. सो आई कैन नॉट से कि सारे फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आप रिवर्स नहीं कर पाते. चलिए, आपको वो सब नहीं देखना, आपको इस चैप्टर के हिसाब से सिर्फ ये पॉइंटर्स याद रखना है. आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये कर लिया है. नेक्स्ट इज योर केमिकल चेंज. तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी थी ना मैम, आपको केमिकल चेंज पे आ गए आप सीधे. तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. नाउ दिस इज समथिंग ऑपोजिट टू फिजिकल चेंज, इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एक नया सब्सटेंस या नया रूप आपको दिखेगा उस चीज का, ठीक है. तो यूजुअली केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन व्हिच फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, सबसे पहले आप देखोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी होगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन? हमेशा उसमें आपको रिएक्टेंट्स दिखते हैं यहाँ पर जो रिएक्ट करते हैं, एंड देन यू गेट द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल सके। लाइक H2 plus O2 gives you H2O पानी। लाइक तो इस रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट्स है, कौन से प्रोडक्ट है? ये रिएक्टेंट्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और ये प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज वाटर। ठीक है, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज होता है जब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आते हैं, और वो हमेशा तभी आ सकते हैं जब रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, सेकेंड इज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, सो एज यू कैन सी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नया सब्सटेंस बना। देखो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस थी, उन दोनों ने मिलके अपना केमिकल फॉर्मूला पूरा बदल दिया और वो बन गया पानी। पानी का मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर जो पहले था और जो बिफोर और आफ्टर में फर्क है, बिफोर और आफ्टर में जो फर्क है रिएक्शन के बाद, पूरा फॉर्मूला चेंज है। ठीक है, दैट मीन्स कि नया सब्सटेंस बन रहा है, एंड केमिकल रिएक्शन जहाँ पर भी होगी दैट विल बी योर केमिकल चेंज। उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। जैसे कि यहाँ पीछे देख रहे हो, वुड बर्न हो रही है, दैट मीन्स ये वुड बर्न होने के बाद एशेस में कन्वर्ट हो जाती है। एश का फॉर्मूला अलग होगा और वुड का अलग होगा। ठीक है, जो भी हाइड्रोकार्बन है वो उसका अलग होगा, उसका अलग होगा, वो सेम नहीं है। वुड जलने के बाद सेम रहती है? नहीं, एक नया सब्सटेंस बन के आता है, दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। नाउ यू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट, हाउ टू सॉर्ट थिंग्स बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो यस, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ वुड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर केमिकल चेंजेस। ठीक है, जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो वो केमिकल चेंज है। और बाई चांस आपसे नहीं नोटिस करा जा रहा है कि केमिकल चेंज है कि नहीं है, जस्ट सी कि नया सब्सटेंस बना है कि नहीं बना। ठीक है, ओके, सो इससे पहले मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी। एज यू मस्ट हैव सीन कि आप हमेशा कुकिंग भी करते हो, तो कुकिंग में आप क्या करते हो? इंग्रेडिएंट्स डालते हो, स्पाइसेस डाला, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा ये डाला, थोड़ा वो डाला। सो जो बन के आता है वो एक नया सब्सटेंस ही होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ नया सब्सटेंस ही होता है? मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने खाना बनाया, आपने उसे पका दिया, आप उसको वापस ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल, उनको रिवर्स करा नहीं जाता। रिएक्शन होगी तो होगी, बट लेट जस्ट नॉट गो देयर। मैं सिंपल बोलना चाहती हूँ कि नया सब्सटेंस बना, आपने नया खाना बनाया उस चीज़ से। ठीक है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। ओके, कुकिंग ऑफ राइस, कुकिंग ऑफ समथिंग इज अ केमिकल चेंज। इनफैक्ट राइस भी जब एक बार फूल जाता है ना आपका, राइस भी एक बार जब फूल जाता है आपका, जब मैंने आपकी ये कप है इसमें मैंने बहुत सारे राइस ले रखे हैं। ठीक है, और ये अभी सॉलिड फॉर्म में, मैंने इसको कुक किया और राइस फूल गए, राइस फूल गया आपके। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। अब आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट लेट मी टेल यू, जो राइस के अंदर जो स्टार्च होता है वो फूल जाता है, वो स्वेल हो जाता है जब आप उसको कुक करते हो। राइट, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, स्टार्च अपने फॉर्म, दूसरे फॉर्म में चला गया, एक नई चीज बन गई। जो आपका राइस था वो फूल चुका है, अब वो वापस तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब वो और सेम भी नहीं रहा वो। ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया अंदर। अब इसमें है क्या कि आपको पता नहीं चल रहा, इसमें आपको नहीं पता कि केमिकल चेंज हुआ है नहीं हुआ है, नया सब्सटेंस बना है नहीं बना। दो चीज़ें मैंने आपको बोली थी, या तो केमिकल रिएक्शन साफ दिख रहा होता है, या तो आपको ये देखना होता है कि नया सब्सटेंस बन रहा है नहीं बन रहा। सो इन एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राइस यहाँ पर स्वेल हो चुका है, और यहाँ पर इसलिए स्वेल हुआ है कि स्टार्च जो उसके अंदर है उसके अंदर चेंजेस आए, स्टार्च के अंदर चेंजेस आए, जो राइस का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, जिस चीज से वो बना हुआ है उसके अंदर चेंजेस आए, दैट इज योर स्टार्च। सो हाउ टू ऑब्जर्व देम, अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो तब मैं बताती हूँ। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और मेरे को आंखों से देखना है, अब आप सबको पता है केमिकल रिएक्शन तो अंदर ही अंदर हो जाता है। ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक है, मैं उनको देख नहीं पाती कि रिएक्शन हो गया बन गया। ठीक है, बट वेन वी राइट देम तो पता चल जाता है कि ठीक है H2 ने रिएक्ट करा O2 के साथ टू गिव H2O, दैट इज प्रिटी सिंपल। ठीक है, आपको ये पता चल रहा है कि दीज आर द रिएक्टेंट, दीज आर द प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने लिख दिया रिएक्शन। अब रियलिटी में तो दिखता नहीं हमें, तो रियलिटी में देखने के लिए केमिकल रिएक्शन को क्या पॉइंट्स हमें ध्यान देने चाहिए दिमाग में? सबसे पहले आपका हीट एंड लाइट, सबसे पहले आपका कौन सा, हीट एंड लाइट। तो अगर उस रिएक्शन कंप्लीट होने पे कोई गर्मी या कोई लाइट निकलती है तो उसका मतलब रिएक्शन चल रही है। अगर उससे साउंड निकलती है तो भी पक्का रिएक्शन चल रही है। अगर उससे कोई गैस इवॉल्व होती है, कुछ झाग सा प्रेसिपिटेट निकलता है तो रिएक्शन हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ स्मेल, कोई भी रिएक्शन में मान लेते हैं कि कोई नया सब्सटेंस बना, मान लो उस नए सब्सटेंस की कोई स्मेल है तो आपको पता, जैसे कि मान लेते हैं ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, ये जो है आपका H2S, इसकी स्मेल एकदम रॉटन एग की तरह, बिल्कुल रॉटन गैस के, रॉटन एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल होती है। तो ये काफी स्मेल आती है। तो जब भी ये गैस किसी रिएक्शन से निकलेगी ना, जब भी ये बन रही होगी तो मेरे को स्मेल से पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि सड़े हुए अंडे की स्मेल आने चालू हो चुकी है। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये बनना चालू हो चुका है। ठीक है, सो ऑल्सो आपके स्मेल से पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। देन वी हैव कलर चेंज हेयर ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको वहीं बता दिया था, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों में कलर चेंजेस आते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। वहां पर आप पेंटिंग समथिंग वो सब चीजें बोल रहे थे, यहाँ पर कलर चेंज का मीनिंग है कि रिएक्शन के दौरान कलर चेंज हुआ है। मतलब कि जो नया सब्सटेंस आपका बना होगा उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। क्या पता उस नए सब्सटेंस की स्मेल अलग हो, क्या पता उसका कलर अलग हो बनते वक्त, राइट। हम सब सारे सब्सटेंसेस के आपके कलर अलग 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 होते हैं, राइट। हर सब्सटेंस का अलग अलग कलर होता है और क्या पता उसकी अलग अलग स्मेल भी हो, या नो स्मेल हो, या कलरलेस हो, है ना। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाली होती है, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज के रिएक्शंस देख लेते हैं। नंबर वन इज योर रस्ट। Okay, so yes, रस्टिंग की अगर मैं बात करूं, दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट वी आर डिस्कसिंग। सबसे पहले आता है आपका आयरन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रस्टिंग, कि जब भी आप आयरन को बाहर रखते हो तो हवा के कांटेक्ट में आ जाता है। और आप सबको पता है कि हवा में दो कंपोनेंट्स पक्का होते हैं, बाकी चीजें भी होती है, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, सब कुछ होता है, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली टू थिंग्स, दैट इज योर वाटर एंड योर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो आपकी हवा के अंदर, आपके हवा के अंदर क्या है, ऑक्सीजन और पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑफ कोर्स। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और पानी है एंड आपने आयरन बाहर रख दिया। आयरन का जो सिंबल है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज Fe, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पर पानी है। तो ये दो तो हवा से आए हैं और ये आपने बाहर रख दिया। मान लेते हैं आपका कोई चीज़ आयरन से बनी हुई है और आपने बाहर रख दिया, और बाहर बहुत सारा ऑक्सीजन है और बहुत सारा पानी भी है। जब भी आपका आयरन इन दो चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, रस्टिंग चालू हो जाती है, रस्टिंग चालू हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार आयरन के ऊपर रेडिश ऑरेंज सा बनने लग जाता है ऊपर, और आयरन आपका खराब होने लग जाता है आफ्टर रस्टिंग। जब उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लगने लग जाता है, दैट मीन्स कि आपका आयरन खराब हो रहा है। आयरन खराब नहीं होता, आयरन अपनी फॉर्म बदल देता है। ये दिक्कत है, एक नया सब्सटेंस बनने लग जाता है, दैट मीन्स कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। इट इज नॉट अ डस्ट और समथिंग, कोई डस्ट की लेयर नहीं होती, आपका जंग लगना या सब डस्ट नहीं होता वो कि भाई ऊपर से लग गया बस चिपक गया, नहीं। प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हुई है और प्रॉपर रस्टिंग हुई है आपकी आयरन की, वो एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आपका आयरन आयरन नहीं रहा, किसी और फॉर्म में चला गया, कोई नया सब्सटेंस बना लिया उसने किसी और के साथ। तो हुआ क्या है, आपका आयरन यहाँ से हवा से ऑक्सीजन और पानी का मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं रस, जिसका फॉर्मूला है कुछ ये, जिसमें 2 आयरन और 3 ऑक्सीजन लगे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर योर रस्टिंग। नाउ व्हाट वी हैव डन, आयरन, पहले आयरन था सिर्फ, आयरन के आसपास कुछ नहीं था, आयरन सिर्फ आयरन था, पर रिएक्शन के बाद वो कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में। रिएक्शन के बाद वो कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में. व्हाट इज ऑक्साइड? जब भी आयरन के साथ ऑक्सीजन या किसी के साथ भी ऑक्सीजन लगा होता है ना, उसे हम कहते हैं ऑक्साइड. ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑक्साइड. ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑक्साइड. तो सिंपल सी बात है, आयरन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो उसने आयरन ऑक्साइड बना दिया. सिंपल. बट आयरन अब आयरन नहीं रहा, आयरन अब सिंगल नहीं रहा, आयरन आपका आयरन ऑक्साइड बन चुका है. इसीलिए आपका आयरन आपके लिए खराब हो जाता है, बट एक नया सब्सटेंस बना लेता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता. दैट इज रस्ट. ठीक है, इसे हम कहते हैं रस्ट और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग. तो लेट मी रिपीट दिस कि जब भी आपका आयरन ऑक्सीजन के साथ ऑन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, इट ऑलवेज फॉर्म रस्ट, जिसे हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व विद आयरन. ठीक है, एंड यस, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3. ठीक है, तो दिस इज द होल केमिकल रिएक्शन जो उसको पूरे केमिकल रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ता है. एंड रस्ट का कलर, यहाँ पर आप देखो कलर चेंज हो गया. यहाँ पर क्या हुआ, आपके आयरन का कलर चेंज हो गया. यहाँ पर क्या है, वो रेडिश ब्राउन की तरह होता है. ठीक है, सो यू कैन सी कलर चेंज. क्या आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन इज कंप्लीट एंड नया सब्सटेंस भी बना है. न्यू substance is formed. ठीक है, and we can also call water as moisture. Moisture जब होता है तो क्या होता है, moisture का मतलब ये होता है कि पानी का amount बहुत ज़्यादा है atmosphere में. तो let me show you prevention of rusting की बात कर लेते हैं कि अगर rusting से बचाना है अपने iron को, जो कि obviously हम चाहते हैं कि iron खराब ना हो, हमें rust नहीं चाहिए, हमें iron चाहिए pure, तो iron ही रहे. तो preventions क्या हो सकते हैं? नंबर वन इज यू कैन पेंट. जैसे आपने कई बार देखा होगा आयरन को पेंट कर दो तो भाई डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, क्योंकि हमें इससे बचाना है, हमें बेसिकली इन दो से बचाना ताकि उसका आयरन ऑक्साइड ना बने, है ना. तो हम क्या करेंगे, पेंटिंग कर सकते ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए. अनदर वे इज गैल्वनाइजेशन. इट इज नथिंग बट जिंक या क्रोमियम की लेयर लगा देते हैं. लाइक फॉर सपोज दिस इज योर आयरन और हमें उसे बचाना है इन मॉलिक्यूल से ताकि कांटेक्ट में ना आए. ठीक है, ताकि ये कांटेक्ट में ना आए. सो वी कैन डू टू थिंग्स, या तो पेंटिंग कर लो या तो गैल्वनाइजेशन कर लो. गैल्वनाइजेशन इज जिंक या क्रोमियम की कोटिंग करना, जिंक की कोटिंग करना इसके ऊपर. ठीक है, तो जब जिंक की आप कोटिंग करते हो तो इसका तो हो जाता है रस्टिंग बट आयरन बच जाता है. इट्स लाइक सैक्रिफिशियल मेटल. जिंक इज ऑल्सो अ मेटल, आयरन इज ऑल्सो अ मेटल, बट अगर मैं जिंक की कोटिंग कर दूंगी आयरन के ऊपर, अगर मैं जिंक की कोटिंग कर दूंगी आयरन के ऊपर, दिस इज योर जिंक मान लेते हैं, तो होगा क्या कि वो आयरन आपका बच जाएगा और वो रस्ट नहीं होगा. इसकी रस्टिंग हो जाएगी, दिस विल बी सैक्रिफाइस्ड. ठीक है, बट आपका जो आयरन, जिसको मेन हमारा एम था आयरन को बचाना, आयरन आपका बच जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर गैल्वनाइजेशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो गैल्वनाइजेशन हो रखा है. ठीक है, आयरन पाइप्स में. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा पानी में रहती है और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है आपका, सो इसमें रस्टिंग चालू हो जाती है शिप्स में. तो क्या करें, दिस इज अ क्वाइट मेजर प्रॉब्लम एंड द शिपिंग इंडस्ट्री एज द बॉडी ऑफ द शिप इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. एक तो वो हमेशा हवा और पानी कॉन्टैक्ट में रहते हैं और वो उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट आपका आयरन का बना ही होता है शिप. तो अब उससे कैसे बचाए, जो आपका शिप में आयरन लगा हुआ है उसे कैसे बचाए रस्टिंग से? बहुत मेजर चीज है कि आपकी हमेशा शिप बाहर रहती है पानी में और हवा में, तो कैसे बचाया जाए फिर मैम आयरन को? देखिए, इससे काफ़ी लॉस भी होता था शिपिंग इंडस्ट्री को. तो हुआ क्या, दे डिसाइडेड टू प्रिवेंट दैट आयरन को मिक्स करना पड़ेगा किसी चीज़ के साथ. टू प्रिवेंट दैट वी हैव टू मिक्स द आयरन टू मेक इट स्टेनलेस स्टील. हमेशा कहते हैं स्टेनलेस स्टील, हम स्टेन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए कि भाई रस्टिंग हो गया उसके ऊपर, तभी समझ नहीं आता वो चीज़. तो स्टेनलेस स्टील का मतलब ये होता है कि आयरन के साथ कुछ ना कुछ मिक्स करा है. ठीक है, अब आयरन के साथ कुछ ऐसा मिक्स करना है जो उसकी स्ट्रेंथ ना खोने दे. ठीक है, हमें आयरन के साथ कुछ ऐसा मिक्स करना है जिससे उसकी स्ट्रेंथ ना जाए बट वो बच भी जाए. ठीक है, रस्टिंग से, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए. गैल्वनाइजेशन हर टाइम नहीं कर सकते हम, तो स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन, आयरन के अंदर ही कुछ मिला दो, ऊपर से अगर हम कोटिंग ना करें और अगर हम आयरन के अंदर ही कुछ मिला दें तो इट विल बी बेटर, ठीक है। तो यस, आयरन के साथ अगर हम कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीज मिला दें तो उससे आपका एक्चुअली बनता है स्टील, ठीक है। स्टील इज एक्चुअली एन एलॉय, स्टील एक प्योर मेटल नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन का अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट आयरन की होती है। तो स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन एक्चुअली, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर, इट इज एन एलॉय ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यस, ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज नॉट कम्प्लीटली मेटल, स्टील कम्प्लीटली मेटल नहीं होता एंड वो मिक्स करा जाता है फॉर अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, और वो स्टेनलेस रहता है, वो रस्टिंग से बचा हुआ रहता है, ठीक है। इट डज नॉट रस्ट, इसलिए हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, गैल्वनाइजेशन करते हैं या पेंटिंग करते हैं। इन अ पेंटिंग गैल्वनाइजेशन शॉर्टर तरीके के लिए होता है, मतलब जो छोटे प्रोडक्शन तक ठीक रहता है, जहाँ तक आयरन की अमाउंट कम है, बट शिप एक बहुत बड़ी चीज़ है तो उसके अंदर कुछ मिलाना पड़ेगा, दैट विल बी स्टेनलेस स्टील। ना केमिकल चेंजेस इन डे टू डे लाइफ आप देखते होगे, अगर आप देखते होगे जैसे कि पहले क्या होता था, फायर क्रैकर्स, जब भी आपके फायर क्रैकर्स आप देखते होगे एक्सप्लोड होते हुए, उससे हीट, लाइट, साउंड बहुत सारी निकलती है, तो वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि वो भी जब फटा है, जो पल्यूट करता है एनवायरनमेंट को इतना, वो फटता है, उसमें केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल्स में एक कलर निकलता है, इसलिए आपके हर अलग अलग क्रैकर्स के अलग अलग कलर्स हुआ करते थे, ग्रीन का अलग, रेड का अलग, येलो का अलग, बिकॉज जो केमिकल फटता है उसके अंदर एक केमिकल चेंज आता है और वो केमिकल चेंज हम देख सकते हैं थ्रू कलर चेंज, ठीक है। तो जो अलग अलग केमिकल्स डले होते हैं अलग अलग क्रैकर्स में, वो अलग अलग कलर शो करते हैं एंड दैट इज ऑल्सो योर कलर चेंज, ठीक है। तो ये केमिकल चेंजेस की वजह से कलर चेंज होता है। पर तो अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, आपके क्रैकर्स के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, वो फटेगा, वो कलर चेंज करेगा, आपको कलर दिखाएगा, उससे हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी, साउंड भी निकलती है। ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या लीड कर रहे हैं आपको कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट वी हैव डिस्कस। हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना हो, कैसे पता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चेंज इन साउंड, मतलब साउंड निकल सकती है, गैसेस निकल सकती है, प्रेसिपिटेट निकल सकता है, कलर चेंज हो सकता है, स्मेल आ सकती है एंड व्हाट एल्स, लाइट निकल सकती है, हीट एनर्जी निकल सकती है, ठीक, कलर चेंज हो सकता है। दीज आर ऑल दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब भी आप देखते हो खाने से बदबू आने लग जाती है, वो स्पॉइल, खराब होने लग जाता है बेसिकली, तो उसमें भी कुछ नए सब्सटेंस ग्रो करने लग जाते हैं बेसिकली, तो खराब हो चुका है, वो खाना खाना नहीं रहा, कोई नया सब्सटेंस उसके ऊपर बनने लग जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो नया सब्सटेंस है, जो नया सब्सटेंस बना है केमिकल रिएक्शन की वजह से, वो आप डिज़ायर करते करते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो आपके काम का ही है। जैसे रस्टिंग में रस्ट हमारे काम का नहीं था, खाना स्पॉइल हो गया, उसके ऊपर कुछ नई चीज़ें ग्रो करने लगी, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो दैट डजेंट मीन कि अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है केमिकल रिएक्शन से, इट विल बी हेल्पफुल, इट विल बी डिज़ायरेबल, नो, it can be non-desirable also. If we cut an apple into slices and kept it open, आपने देखा होगा अगर आप एप्पल को कट करके ज़्यादा देर तक रखते हो खुले में, हवा में, तो वही मॉइस्चर की वजह से खराब होना चालू हो जाता है। तो दीज आर ऑल द केमिकल चेंजेस, जब आपका सब्सटेंस वो नहीं रहता, एक नए सब्सटेंस में बन जाता है, जो मे बी आपको पसंद आए या ना पसंद आए, दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। इसको ध्यान से सुनना, जैसे कि आपको वर्ड बता ही रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ चेंजेस में, इवेपोरेशन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में आपने पढ़ा होगा इवेपोरेशन। नाउ व्हाट वी डू टू टेक आउट द सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर, हम इवेपोरेशन यूज करते हैं, पानी को उबलने देते हैं ऊपर, इवेपोरेट होने देते हैं और सॉल्ट नीचे रह जाता है। बट वो क्या वो प्योर सॉल्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो प्योर सॉल्ट नहीं होता। तो थ्रू क्रिस्टलाइजेशन हम उस सॉल्ट को प्योर कर सकते हैं, या किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। होता क्या है कि ये एक द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स। बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही, मान लेते हैं कि इसमें ना बहुत ही हॉट कंसनट्रेटेड मतलब वो जितना आप ला सकते हो प्योर जितना है, उसमें इम्प्योरिटीज तो होंगी ऑफकोर्स। हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे जिसमें आपको सब्सटेंस मिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं। तब उसके साथ एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको फिर ठंडा होने देते हैं। लाइक ये काफ़ी हॉट है अभी, फिर हम इसको कूल होने देते हैं, इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब मान लेते हैं कि अभी ठंडा हो चुका है, मान लेते हैं अभी ठंडा हो चुका है। सो यू विल सी धीरे धीरे जो ठंडा होने लग जाएगा और उसका जो सोल्यूशन का पानी है वो उड़ने लग जाएगा, मतलब जितना बॉयल हो सकता है इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है, वो इवेपोरेट हो जाएगा जितना हो सकता है पानी जो था उसमें अंदर, ठीक है। मान लो मैं किसी सब्सटेंस को प्योर कर रही हूँ, मैं किसी सब्सटेंस को प्योर करना चाह रही हूँ। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उस सब्सटेंस के अंदर सॉल्वेंट मिलाऊंगी कुछ, ताकि जो इसकी जितनी इम्प्योरिटीज़ है ना, इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं सब्सटेंस के साथ जो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ प्योर सब्सटेंस चाहिए, और जो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है वो मेरे को नहीं चाहिए, जो भी गंदगी मिली हुई है वो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं सॉल्वेंट मिलाऊंगी उस सब्सटेंस के अंदर, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो सॉल्वेंट के साथ चली जाएंगी, इवेपोरेट हो जाएंगी सॉल्वेंट के साथ। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैं एक ऐसा लिक्विड मिलाऊंगी सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ के साथ मिल सके, जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिल सके बेसिकली। तो मैं आपको ज़रा दोबारा दिखा दूँ, इन शॉर्ट में बोलना क्या चाह रही हूँ कि ये रहा वो सब्सटेंस जिसको मैं प्योर करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, कोई भी दुनिया का सॉल्वेंट लिया, कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी वाटर, एनीथिंग, ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाएगा लास्ट में जाके। इसमें क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज चली जाती हैं, जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज थी वो सॉल्वेंट के साथ जब सब्सटेंस मिक्स होता है, जब भी आपका सॉल्वेंट और आपका जो सब्सटेंस है वो दोनों मिक्स होते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज थी सब्सटेंस के अंदर वो सॉल्वेंट के साथ घुल जाती है। अभी सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, अभी सोल्यूशन बना हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर था सब्सटेंस, मान लेते ये आपका येलो वाला आपका सब्सटेंस है, ठीक है, मान लेते हैं वो पीला हो रखा है गंदगी की वजह से, ठीक है। मैंने इसके अंदर मिलाया सोल्यूशन, मैंने यहाँ से सोल्यूशन डाला और ये रहा आपका सॉल्वेंट मिक्स हो गया इसमें, ठीक है, आपका सॉल्वेंट मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर यहीं रखूँगी, इसको थोड़ी देर यहीं रहने दूँगी, ठीक है। और अभी ये हॉट भी है, ये हॉट पानी डाला मैंने ऊपर, या हॉट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई डाल दिया, ठीक है, अभी ये हॉट है। अब इसको क्या करना है, मेरे को कूल करना है, कूल करूँगी। कूल करने के बाद क्या होगा, कूल करने के बाद ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट था वो भी इवेपोरेट हो रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है, वो भी इवेपोरेट हो रहा है, नॉट बॉइलिंग बट इवेपोरेट हो रहा है। वो भाग जाएगा अगर आप खुला रखोगे, ऊपर चले जाएगा आपका, और क्या लेके जाएगा, वो लेके जाएगा इम्प्योरिटीज साथ में, साथ में क्या लेके जाएगा, वो सारी इम्प्योरिटीज लेके जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन, जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ पर बनना चालू हो जाएंगे। तो बेसिकली जो आपको प्योर सब्सटेंस मिला है ना, बेसिकली जो आपको प्योर सब्सटेंस मिला है वो आपको किसके फॉर्म में मिला है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आपने कुछ नहीं किया, आपने उस सब्सटेंस को किसी चीज़ में मिलाया, उसे ठंडा होने दिया, ठीक है, ठंडा होने के बाद वो क्रिस्टल्स में बदलने लग जाएगा, क्रिस्टल्स आपके क्रिस्टल्स में बदलने लग जाएगा आपका सब्सटेंस। और होगा क्या, वो जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपका प्योर सब्सटेंस होगा विदाउट एनी इम्प्योरिटीज। तो सिंपल है, सब्सटेंस को किसी लिक्विड में मिलाया, ठीक है, जिससे इम्प्योरिटीज़ लिक्विड में चले जाए और सब्सटेंस को छोड़ दें। उसको मैंने ठंडा किया, ठीक है, उसे मैंने ठंडा किया और क्रिस्टल्स में ग्रो होने दिया, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है और वो क्रिस्टल्स ही आपके प्योर सब्सटेंस होंगे, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज योर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, आप ऐसे ही प्योर कर सकते हो, ठीक है, ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर क्रिस्टल्स बनते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं लेना तो उसके फीचर ज़रूर सुन लीजिए। लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट फ्रॉम योर होम आप जितना भी सेशन देख सकते हो, अनलिमिटेड है। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, कोर्सेज आप कितनी बार भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। बेस्ट एजुकेटर्स आपको प्लेटफॉर्म में दिए जाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग होती है, सेशंस होते रहते हैं डाउट क्लियरिंग के, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एग्जॉस्टिव कवरेज है सिलेबस का, एंड मेंटोरशिप है, गाइडेंस है, पूरी मेंटोरशिप दी जाती है, पूरी गाइडेंस दी जाती है आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। स्टडी मटेरियल मिलता है, यू गेट द PDF ऑफ द सेशन, सेशन ओवर होने के बाद यू गेट द PDF सो यू कैन मेक योर नोट्स आफ्टर दैट। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज आर देयर इन द प्लस सब्सक्रिप्शन। यू कैन सी द प्राइजेस 3 months, 6 months, 12 months। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SMRANA टू गेट 10% ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आपको कोड लगाना पड़ेगा। एंड नो कॉस्ट EMI है यहाँ पर, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटोर देते हैं। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्यों स्पेशल है? क्योंकि प्लस के जितने बेनिफिट्स थे आपको, उसके साथ साथ आइकॉनिक के भी बेनिफिट्स ऊपर से मिलते हैं। तो आइकॉनिक में प्लस के जो मैंने अभी बताए उसके ऊपर है ये सारे बेनिफिट्स। पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सोल्यूशन, वीकली रिपोर्ट आपके हाथ में आती है कि आप कैसा कर रहे हो परफॉर्म, पेरेंट्स का कनेक्शन रहेगा, स्टडी प्लानिंग होगी, सब कुछ बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में मिल जाएंगे, डबल बेनिफिट्स, ठीक है। इसके प्राइस भी यहाँ पर लिस्टेड हैं आप सबके सामने। एंड यू कैन स्टिल यूज माई कोड हेयर ऑल्सो फॉर 10% डिस्काउंट, दैट इज SMRANA, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल दी अपडेट्स। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लेट्स क्रैक इट विद Unacademy। बाय बाय।